बरडी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाली सैनिक विश्राम गृह के सामने फरियादी विनय जयप्रकाश नाविक वाड़ी निवासी की किसी बात को लेकर आरोपी ऑस्टिन विलियम जोसेफ से बहस हो गई। फिलहाल इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 323, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बरडी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सैनिक विश्राम गृह के सामने फिरियादी विनय जयप्रकाश नाविक वाड़ी निवासी की किसी बात को लेकर आरोपी ऑस्टिन विलियम जोसेफ से बहस हो गई और उसके बाद फिरियादी ने अपने भाई को घटना स्थल पर बुला लिया। आपको बता दें कि भाई के आने के बाद एक बार फिर दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद फिरियादी ने अपने भाई को उसकी हरकतों के बारे में बताया और एक बार फिर दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आनन फानन में आरोपी ने अपने पास रखा चाकू निकाल फिरियादी के भाई के पेट पीठ पर वार कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। फिलहाल फिरियादी के भाई का उपचार मेयो अस्पताल में चल रहा है। वो दारू पी के वहाँ पे गया था किसी को मिलने के लिए और तभी दारू के नशे में रास्ते में क्यों आया, इसके लिए उसने दो लड़कों को, कॉलेज के लड़कों को हाथ बुक्की से मारान किया। उसके बाद में वो वहाँ से निकल गया, बाजू में खड़ा रहा, तब तक जिसको मारा था तो उसने उसके भाई लोगों को, भाई को बुलाया और इसने मारा करके बोला। दो लोग उसके भाई और उसका एक दोस्त वहाँ पे आए और उन्होंने इसको क्यों मारा ऐसा पूछा उसको और उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हो के हाथापाई हो गई तो उतने में ये आरोपी जो है, आरोपी ने अपने पास का चाकू निकाल के वो जो फिरियादी है उसके भाई पवन नाविक इसको चाकू से वार किया, जख्मी किया। तब तक वहाँ पे पेट्रोलिंग की पुलिस तब तक वहाँ पे पहुँची और उन्होंने जगह पे ही उसको दर दबोचा। आरोपी पर धारा 307, 323, 504 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।